गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपना क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज अपना टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। और प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना पोषण भरण पोषण कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। अब खाना जरूरी क्यों है? तो अपन ने पहली क्लासों में पढ़ा है, छोटी क्लासों में, क्योंकि खाने से क्या मिलता है? भोजन से अपने को क्या मिलती है? फूड क्या देता है अपने को? एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? फॉर डूइंग सम वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलती है अपने को? फूड से। अब फूड क्या हो गया? ऐसा थोड़ी रोटी खाएंगे तो रोटी डायरेक्ट ऊर्जा देती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स मींस क्या होता है? घटक। जैसे फूड, फूड के अंदर क्या क्या होता है? फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, रफेज, मिनरल्स और वाटर। तो ये क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं जो अपने बॉडी को अलग अलग फैट्स और विटामिन और प्रोटीन और ये सब क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब किसमें होते हैं? अपने जो फूड खाते हैं उसके अंदर होते हैं। तो न्यूट्रिएंट समझ में आया, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब अपना चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके अंदर अपने को कुछ मेन टॉपिक है जो पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो है भरण पोषण करना है अपने को, तो उसके मोड क्या क्या होते हैं, क्या क्या तरीके से अपन उसका भरण पोषण का कार्य प्लांट्स के अंदर होता है। तो कितने मोड होंगे वो तुमको पढ़ाऊंगा, वो मोड क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो तुमको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या है अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ यानी खुद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी एक टर्म है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोर्थ क्लास से अपन पढ़ रहे हैं। कब से? फोर्थ क्लास से अपन पढ़ रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में भी अपन ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इस चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये किसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको पता है, प्लांट्स के अंदर जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऐसा पोषण जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद न बना के दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, डिपेंड्स ऑन अदर, उसको क्या कहते हैं अपन? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स के बारे में अपने को हेटरोट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन वो प्लांट्स में चार तरीके से होता है। देखो चार मोड है उसके भी हेटरोट्रॉपिक के भी। पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये अलग अलग इसके तरीके हैं। तो ये सब अपने को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट समझ में आ गया। कंपोनेंट्स लिखने तो लिख लो, फैट्स मैं लिख देता हूं आप उतार लेना, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, मिनरल, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ये आप उतार लेना, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स। इतना समझ में आया न्यूट्रिएंट्स किसको कहते, समझ में आ गया। कंपोनेंट यानी क्या होता है? घटक। क्या होता है? घटक। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया। अब अपने को आगे पहला टॉपिक लेना अपना, पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्या होता है? पोषण के तरीके। लेकिन उसके लिए अपने को पहले क्या समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड्स यानी तो क्या हो गया? तरीके। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सिंपली न्यूट्रिशन वो होता है कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो टेकिंग फूड की प्रोसेस होती है और उस फूड का यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा किया जाता है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। आया समझ में न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? आया समझ में? चलो ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में तुमको न्यूट्रिशन की लिखवा देता हूं। न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन मैंने तुमको क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, जो खाने को अंदर लेने की प्रक्रिया होती है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और जो अपनी बॉडी होती है शरीर उसके द्वारा उसका यूटिलाइजेशन उपयोग होता है,
उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लिख लो डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी 6, 7, 8 का जो जो चैप्टर है वो हिंदी मीडियम में भी आएंगे, तो आप टेंशन ना ले, हिंदी मीडियम में भी उसका कल से या परसों से चालू हो जाएगा। तो लिख ली सबने डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहां तक समझ में आया न्यूट्रिशन क्या होता है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अपना मेन टॉपिक क्या था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो। सबसे पहला अपना है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, इसमें दो पार्ट होते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, उसमें पहला है अपना ऑटोट्रॉपिक। सिंपली ऑटोट्रॉपिक हिंदी में समझाऊं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नेचर से प्राप्त करते हैं या खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं अपन, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तुमसे कोई अगर पूछे तो तुम कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, उसको क्या कहते हैं अपन, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आया समझ में, आराम से लिख लो डेफिनेशन, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद देखो अब इसको सिंपली याद करने का तरीका क्या, ऑटो, ऑटो स्टार्ट गाड़ी सुना सबने, ऑटो स्टार्ट गाड़ी आती है कि ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट। तो ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल्फ यानी खुद, नाम से ही बदलता है, ऑटो यानी क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ यानी क्या होता है, खुद, और ट्रॉप यानी क्या होता है, नरिशमेंट यानी अपना जो पोषण कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ नरिशमेंट, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ नरिशमेंट। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उस ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, किसी ने देखा प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो सिंपली एक प्रोसेस है प्लांट के खाना बनाने को, क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में अपने को किस किस की जरूरत रहती है, सबसे पहले तो प्लांट की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता कौन है, प्लांट करता है, ह्यूमन तो नहीं करता ना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है, प्लांट। अब प्लांट के पास क्या होता है, अपन प्लांट को कौन सी गैस देते हैं, कोई गैस देते हैं ना प्लांट को, कौन सी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया अपना एक प्रोसेस। दूसरा क्या होता है, अपने प्लांट्स रूट से क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर। तो क्या हो गया, वाटर। तो प्लांट के पास ये दो चीजें पहले से प्रेजेंट रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट की होती है और वाटर होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, और यहाँ क्या आएगा, उसका फूड बनेगा, और उसके साथ कोई और गैस निकलेगी, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये यहाँ पे भी दो चीजें आएंगी, एक नंबर एक और नंबर दो। ये तुमको अगर पहले पढ़ा है तो पता है तुमको, और नहीं पढ़ा है तो अगले वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा। तो आज के लिए अपना ये क्लास 7 का इतना बहुत है, अब आगे अपन मिलते हैं कल नई क्लास में। और आपको ये कमेंट बॉक्स में दोनों बताने हैं, और अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।